हेयर लॉस की प्रॉब्लम मुझे 3-4 साल से हो रही है। जैसे कि सुबह शावर लेने के बाद कंघी करते टाइम काफ़ी बाल झड़ते थे, थोड़ा मुझे काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था और पेन बिल्कुल नहीं था, अगर था तो बहुत मामूली सा था, वो इतना ज़्यादा नहीं था। तो मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा। मेरा नाम भूपेंद्र सैनी है और मैं हरियाणा से हूँ। मेरी उम्र 29 साल है और हेयर लॉस की प्रॉब्लम मुझे 3-4 साल से हो रही है और साथ में ये मेरी जेनेटिक भी है, मेरे जो फादर हैं उनके भी हेयर लॉस है, लेकिन मुझे ये 3-4 साल से स्टार्ट हुई है। मैंने काफ़ी ट्राई किया, पहले कम था तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी होने लगा, तब मैंने ट्राई किया, काफ़ी क्लिनिक ऑनलाइन चेक करने लगा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तब मुझे QHT क्लिनिक का पता चला। मैंने इनके रिव्यू देखे और काफ़ी रिजल्ट देखे, तब उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर आकर अपना ट्रीटमेंट लूँगा। तो जैसे कि जब मुझे पता चला कि मेरा हेयर लॉस हो रहा है 3-4 साल पहले से, तब मैंने जैसे कि सुबह शावर लेने के बाद कंघी करते टाइम काफ़ी बाल झड़ते थे, आहिस्ता आहिस्ते ज़्यादा होने लगे, ऊपर से बाल काफ़ी कम होने लग गए, थोड़ा मुझे काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी है, इससे एक तो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए और दूसरा हेयर लॉस की वजह से मेरा आउटिंग काफ़ी कम हो गया था, मैं बाहर आने जाने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था, तो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया। और फिर मैंने QHT की टीम से कॉन्टेक्ट किया, इनके साथ बातचीत की, उन्होंने मेरे कुछ फोटोज़ मांगे पूरे हर एंगल से, तो मैंने उनको भेजे, फिर उन्होंने मुझे 3,700 ग्राफ्ट सजेस्ट किए, तो उनके साथ बातचीत करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने उनके साथ अभी बातचीत करने के बाद अभी मैं हरिद्वार आया हूँ स्पेशल इधर ट्रीटमेंट के लिए। अभी इसके बाद फ़ोटो सेशन हो रहा है, उसके बाद मेरा डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन है, तब मैं अपने सारे डाउट क्लियर करूंगा, हर चीज़ उनसे पूछूंगा और आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बातचीत करूंगा। अब इसके बाद मेरी हेयर लाइन की जाएगी, देखता हूं मेरे फेस पे जो हेयर लाइन सूट बैठेगी उस हिसाब से हेयर लाइन की जाएगी, फिर उसके बाद मैं OT के लिए जाऊँगा और उसके लिए थोड़ा नर्वस हूँ, थोड़ी एक्साइटमेंट है, पेन को लेके होगा, कितना होगा नहीं होगा, और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। जो भी मेरा सर्जरी का एक्सपीरियंस होगा उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। तो अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं सर्जरी ले जाऊंगा, मेरे मन में काफ़ी डाउट थे पेन को लेके, कितनी लंबी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कितने टाइम का प्रोसीजर रहेगा, लेकिन अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अतः डॉक्टर काफ़ी कोऑपरेटिव थे, स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव था और पेन बिल्कुल नहीं था, अगर था तो बहुत मामूली सा था, वो इतना ज़्यादा नहीं था, काफ़ी अच्छे से मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है। तो मेरे 4,000 ग्राफ्ट लगे हैं और QHT टेक्निक से मेरा ट्रांसप्लांट किया गया है, हर टाइम डॉक्टर मेरे साथ मौजूद था, सारा स्टाफ था, वो बार बार पूछते भी हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव थे। तो ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर से ने मेरा दुआपी से कंसल्ट हुआ, उन्होंने मुझे सारी मेडिसिन वगैरह जो भी प्रिकॉशंस मुझे लेने हैं, क्या करना है, के बाद क्या टेक केयर करनी है, कैसे करनी है, मेरा डाइट प्लान, आगे के लिए जो भी मुझे बालों को टेक केयर के लिए जो भी मेडिसिन वगैरह कैसे लेनी है कैसे नहीं लेनी है। तो मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा रहा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ जो हेयर लॉस से अभी जूझ रहे हैं वो यहाँ पर एक बार डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको मिलता हूँ PRP सेशन के बाद और आपको दिखाऊंगा मेरी ग्रोथ जो भी होगी जैसी भी होगी, तो आपको उसके बाद सारी डिटेल बताऊंगा। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।